स्वागत है आपका IPL 2020 के ऑक्शन से जुड़ी एक नई और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों IPL 2020 और IPL 2020 के ऑक्शन को लेकर अभी से ही काफी सारी अपडेट्स जो हैं वो आने लगी हैं, काफी सारी खबरें जो हैं वो आने लगी हैं और हम लगातार हर एक खबर जो है आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारी हर एक वीडियो को आप काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं, काफी ज्यादा लाइक भी कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक और बहुत ही बड़ी खबर हम लेकर आए हैं जहाँ पर सभी 8 टीमों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है IPL 2020 के ऑक्शन को लेकर, जिसके बारे में दोस्तों फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आप भी हैं IPL के फैन, कर रहे हैं IPL 2020 का इंतजार, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है IPL 2020 की, आप अपनी राय जो है वो कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों यहां पर बात करें अगर IPL 2020 के ऑक्शन की, तो दिसंबर 2019 में IPL 2020 का ऑक्शन होने वाला है। BCCI ने ये चीज जो है वो कंफर्म कर दी है, फाइनल डेट जो है वो अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर दोस्तों अभी से ही सभी फ्रेंचाइज जो है IPL 2020 के ऑक्शन के प्रिपरेशन में लग चुकी है कि कौन से खिलाड़ियों को खरीदना है, कौन से खिलाड़ियों को करना है रिलीज। कई सारे प्लेयरों की अपडेट भी आने लगी है और हमने ट्रेड भी IPL 2020 के ऑक्शन से पहले जो है वो देख लिया है। अब दोस्तों इंतजार है IPL 2020 के ऑक्शन का जो कि दिसंबर में होने वाला है, लेकिन इस ऑक्शन से पहले BCCI ने सभी 8 फ्रेंचाइजों को बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर आपको बता दे सीधे कि सभी 8 फ्रेंचाइजों की पर्स वैल्यू जो है वो यहां पर IPL 2020 में होने वाली है इंक्रीज। जी हां दोस्तों, सभी टीमों की पर्स वैल्यू जो है वो यहां पर इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब सभी टीमें ज्यादा पैसे जो है वो IPL 2020 के ऑक्शन में खर्च कर सकेंगी। एग्जांपल के लिए दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि लास्ट ईयर जो टीम की वैल्यू थी, प्लेयर को टोटल पैसे मिल सकते थे, वो थे एक टीम के लिए 82 करोड़ रुपए, लेकिन इस साल दोस्तों ये वैल्यू जो है वो 3 से 5 करोड़ रुपए बढ़ सकते हैं, यानी कि 85 से 87 करोड़ रुपए तक जो है एक टीम की टोटल प्लेयर की वैल्यू जो है वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों बात करें अगर चेन्नई सुपर किंग की, तो लास्ट ईयर चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन किए थे 73.6 करोड़ रुपए के प्लेयर और इनके पास ऑक्शन के लिए जो वैल्यू थी वो बची थी 8.4 करोड़ रुपए। और इसी तरह सभी टीमों के पास टोटल 82 करोड़ रुपए जो है वो थे, लेकिन इस साल दोस्तों ये प्राइस जो है वो बढ़ने वाली है, जो कि 85 से 87 करोड़ रुपए हो सकती है। और ऐसे में सभी टीमों के पास IPL 2020 में ऑक्शन में खर्च करने के लिए और भी ज्यादा पैसे जो है वो होने वाले हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी सभी टीमों के लिए आ रही है, जहां पर एक और बार आपको बता दें कि पर्स वैल्यू जो है सभी टीमों की होने वाली है इंक्रीज 3 से 5 करोड़ रुपए तक। अब दोस्तों इससे सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो होगा प्लेयर्स को, क्योंकि प्लेयर्स के ऊपर और भी तगड़ी बोली लगने वाली है, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो या फिर वो ग्लेन मैक्सवेल, जेसन रॉय हो या फिर वो एरन फिंच। इनके ऊपर जो पहले बोली लग सकती थी 5-6 करोड़ रुपए, अब उनके ऊपर बोली लग पाएगी 7-8 करोड़ रुपए, यानी कि डायरेक्टली प्लेयरों को जो है वो फायदा होने वाला है, उनकी वैल्यू 1-2 करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्टली इंक्रीज होने वाली है। तो फ्रेंचाइज के साथ साथ प्लेयरों को भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, जो कि इस ऑक्शन में हमें दिखाई देंगे। तो ये बड़ी खुशखबरी जो है वो आ रही थी सभी टीमों के लिए, साथ ही साथ उन प्लेयर्स के लिए जो कि यहां पर IPL 2020 के ऑक्शन में उतरने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है इस नए नियम से, ये प्राइस बढ़ने से कौन सी टीम को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, कौन सी टीम अपने मन चाहे प्लेयर को जो है वो खरीद पाएगी, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।